السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Understand Quran online course के session number 2 में आप सबको खुश आमदीद. मैं हूँ अब्दुल रहमान हफीज इस्लामाबाद पाकिस्तान से. जैसा कि previous सेशन से आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिए है कि 90% लर्न कुरानी अरबिक इन 3 मंथ्स थ्रू प्लग एंड प्ले डायरेक्ट मेथड हमारा तरीकाकार है, फ्रेमवर्क है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सबक पढ़ लिया उसके मुताबिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि उर्दू में वो अल्फाज जो अरबिक के इस्तेमाल होते हैं उन पर अगर 3 ज़बर लगा दें या शुरू और आखिर में ज़बर लगा दें, दरमियान में ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो, तो उसका मतलब बनता है उसने किया. तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की थी. फिर आपने देखा कि इस रूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्फाज इंसान खुद भी बना सकता है. तो आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने फरमाया था पूरी दुनिया से लोग आपसे सीखने आएंगे. जब वो इल्म सीखने आए तो मेरी तरफ से आप उन्हें मरहबा कहिएगा, खुश आमदीद कहिएगा और वेलकम कहिएगा. आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको मैं कह रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मरहबन मरहबन बिवसीयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह तबारक व तआला किन के साथ खैर का इरादा करते हैं? खैर का मतलब होता है दुनिया व आखरत की कामयाबी. खैर का मतलब होता है दुनिया व आखरत की कामयाबी. तो किन के साथ अल्लाह तआला दुनिया व आखरत की खैर चाहते हैं, भलाई चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन. अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा कर लेते हैं उसे दीन की समझ अता कर देते हैं. अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा कर लेते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं. सही बुखारी की ये रिवायत है. तो आप वो खुशकिस्मत हैं कि जिनके साथ अल्लाह ताला ने खैर का इरादा फरमाया है वो अपनी किताब को समझने के लिए तौफीक अता फरमाई है, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता. और ये हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स. आपके फर्स्ट 90 डेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल. अगर आप इसमें सब्र और इस्तेकामत का मुजाहरा कर बैठे तो इसकी बरकत से नेक्स्ट 9 मंथ्स आपके लिए बहुत इजी होंगे, क्योंकि इसके बाद जो एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. तो आपने अपनी बेस और अपनी फाउंडेशन के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है. जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं करना, थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत अच्छा पढ़ें. ये हम पढ़ चुके थे कि 90 डेज फिर हमारे कैसे गुजरेंगे. फर्स्ट 30 डेज में कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, फिर इंस्टॉलेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर आप फ्रेंडली एडवांस कोर्स में बड़े सुकून के साथ अब खुद पढ़ेंगे. यानी हम चाहते हैं एडवांस कोर्स आप खुद पढ़ें, खुद पढ़ाएं एक दूसरे को, ना कि हम पढ़ाएं. तो प्लग एंड प्ले डायरेक्ट मेथड के जरिए बगैर ग्रामर के आप कुरान पाक सीखेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरह तौफीक के साथ. तो हमने अल्लाह ताला की तौफीक के साथ जो पढ़ा था कि 2 ज़बर लगा लें या 3 ज़बर तो माना बन जाता है उसने किया. आप ये मान कर चलें कि आप कुरानी अरबी समझते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं. नीचे दिए गए तमाम उर्दू अल्फाज को देखें और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नज़ारा या नजर, मना, कत्ल, सबर, शुक्र, ज़िक्र, ये उर्दू के अल्फाज हैं. अब इन तीनों पर ज़बर लगाते हुए तो बन जाएगा नज़ारा उसने देखा, मना उसने मना किया, कत्ल उसने कत्ल किया, सबर उसने सबर किया, शकरा उसने शुक्र किया, ज़िक्रा उसने ज़िक्र किया. इतना आसान है ना.
अब आ जाते हैं हम कि अब इन अल्फाज के आखिर में वाव अलिफ लगा दें तो प्लूरल बन जाता है और माना होंगे उन्होंने किया, कतलू उन्होंने किया, कफरू उन्होंने कुफर किया। आज की क्लास में दो अहम आज की क्लास में हमने दो बातें सीखी, किसी भी लफ्ज के तीनों हरूफ पर जबर हो तो माने माना उसने किया होंगे, और नंबर टू किसी भी लफ्ज के आखिरी हरूफ वाव अलिफ हो, किसी के आखिर में भी वाव अलिफ हो तो उन्होंने किया होंगे। अब तीसरी बात भी सीख लें, किसी भी लफ्ज के पहले और आखिरी हरफ पर जबर हो और दरमियान के हरफ पर जेर जबर पेश कुछ आ सकता है, माना वही रहेंगे इसने किया। ठीक हो गया, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज के सबक की दो मोटी मोटी निशानियां, पहले और आखिरी हरफ पर जबर माना उसने किया, आखिरी हरफ पर वाओ अलिफ माना उन्होंने किया। अक्सरियत का कंफ्यूजन क्या है, राजा लौटना होता है ना, तो तीन जबर आए तो उसने लौटा, खाराजा निकलना तो उसने निकला, आमना ईमान लाना उसने ईमान लाया। ठीक है, तो यहां पर उसने के बजाय वो इस्तेमाल होगा क्योंकि उर्दू है ना, क्योंकि आम तौर पर हम उसने लौटा नहीं कहेंगे, इसने निकला नहीं कहेंगे, वो और उसके दोनों के माना एक ही है, जुमले के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। उर्दू देखा जाएगा कि वो लौटा, वो निकला, वो ईमान लाया। अब आप देखेंगे जबर ऊपर और जबर ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा सबके ऊपर जबर, पहले और आखिरी हरफ पर जबर माना उसने किया, सजदा उसने सजदा किया, आमना वो ईमान लाया, आमीला उसने अमल किया, कौल उसने कहा, कफारा उसने कुफर किया, समिया उसने सुना, कतला उसने कत्ल किया। दो जबर तीन जबर वाव अलिफ, ये तीन बड़ी निशानी है। अब वाव अलिफ के साथ पढ़ें, सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन्होंने सजदा किया, आमीला उसने अमल किया, आमीलू उन्होंने अमल किया। ये जो अलिफ है ना आखिर में ये पढ़ा नहीं जाता। काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा, कफारा उसने कुफर किया, कफारू उन्होंने कुफर किया, दहाबा वो गया, दहाबू वो गए, आमना वो ईमान लाया, आमनू वो ईमान लाए, ظلم उसने जुल्म किया, ظلموا उन्होंने जुल्म किया, كان वो था, كانوا वो थे, دخل वो दाखिल हुआ, دخلوا वो दाखिल हुए, سمع उसने सुना, سمعوا उन्होंने सुना, قتل उसने कत्ल किया, قتلوا उन्होंने कत्ल किया, خرج वो निकला, خرجوا वो निकले। है ना आसान। तो अब देखें कि दरमियान में जबर जेर पेश आ सकता है और दाएं और बाएं, शुरू में और आखिर में जबर ही रहेगा, ये पक्की निशानी है। समिया उसने सुना, समीऊ उन्होंने सुना, राजिया वो राजी हुआ, रजू यहाँ पढ़ेंगे, रजू वो राजी हुआ, चूंकि जब वाव लगाते हैं ना आखिर में तो उसके उस वाव से पहले हमेशा पेश होती है। ठीक है, रजू, शाहिदा उसने गवाही दी, शाहिदू उन्होंने गवाही दी, शरीबा उसने पिया, शरीबू उन्होंने पिया, मना उसने रोका, मना किया, मनाऊ उन्होंने मना किया, कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन्होंने कत्ल किया, शकरा उसने शुक्र किया, शकरू उन्होंने शुक्र किया। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, आपने उर्दू के
उर्दू और अरबी दोनों के अल्फाज को प्रोनाउंस बहुत अच्छा करना है। वह होता है ना कातला, उसने कत्ल किया, ता पे जबर पड़ते नहीं। अरबी में क्या होता है, उर्दू में जब आप मस्दर इस्तेमाल करते हैं क्या होता है, उसने कत्ल किया, उसने शुक्र किया नहीं, उसने शुक्र किया। ज़करा, उसने जिक्र किया, ज़करू, उन्होंने जिक्र किया। काला, उसने कहा, कालू, उन्होंने कहा। खलका, उसने पैदा किया, खलकू, उन्होंने पैदा किया। अल्लमा, देखें शब्द है, इसी से मुअल्लिम है, सिखाने वाला, सिखाना। अल्लमा, तो तीन जबर का मतलब क्या होगा, उसने सिखाया। अल्लमू, उन्होंने सिखाया। खातमा, उसने मोहर लगाई, खातमू, उन्होंने मोहर लगाई। फ़अला, उसने किया, फ़अलू, उन्होंने किया। सजदा, सजदू, उसने सजदा किया, उन्होंने सजदा किया। आमना, आमनू, वो ईमान लाया, वो ईमान लाए। अमीला, अमीलू, उसने अमल किया, उन्होंने अमल किया। अब यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं उन सब ने अमल किया, उसने, उन्होंने। उर्दू बड़ी जबरदस्त जबान है। कातल, कातलू, उसने कत्ल किया, उन्होंने कत्ल किया। कफारा, कफारू, उसने कुफर किया, उन्होंने कुफर किया। कौल, कालू, उसने कहा, उन्होंने कहा। कितना, कितनी आसान जबान। उसने सजदा किया, सजदा, उन्होंने सजदा किया, सजद। कातला, कातल, उसने कत्ल किया, उन्होंने कत्ल किया। अब मैं, क्योंकि उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अब मैं क्या करूँगा, वाहिद जमा पढ़ूंगा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ूंगा, आप तर्जमा नहीं करूँगा, आपने तर्जमा अपने जेहन में रखना है। कातला, कातलू, कैफा, كفروا آمنا آمنوا عمل عملوا قال قالوا। खुद सोचे जरा, एक नजर सारा पढ़े खुद ही। आसान है ना। तो एक बात यहाँ फायदे के लिए देखिएगा, अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि जब हम इसको तीन जबर लगाते हैं या दो जबर और इसके बाद वाव लगाते हैं जमा, तो ये असल में पास्ट टेंस बन रहा होता है। उसने किया, उसने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, ये क्या बन जाता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। अब इसके बाद क्या है, ज्यादा कोशिश करते हैं कि तर्जमा आप खुद सोचे। सजदा, सजदू, अमीला, अमीलू, कौला, कौलू, आमना, आमनू, कफरो, कफरू, समीआ, समीऊ, कतला, कतलू। अब देखिए वाव अलिफ आ गई। अब जहां वाहिद है उसको वाहिद जमा पढ़ लें, जहां जमा है वहां वहां वाहिद जमा पढ़ लें, तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। सजदा, सजदू, तर्जमा जहन में रखें लाजमी, उसने सजदा किया, उन्होंने सजदा किया। इस सब में क्या है, उसने, उन्होंने, उसने, उन्होंने, तर्जमा साथ नीचे छोटा सा करके लिखा हुआ भी है। आमीला, आमीलू, कौल, कौलू, كفر كفروا ذهب ذهبوا آمن آمنوا ظلم ظلموا كان كانوا دخل دخلوا سمع سمعوا قتل قتلوا خرج
हाँ राजू, अब देखें आप आहिस्ता आहिस्ता क्या है, पहले हम बोल रहे थे, फिर हमने जहन में रखना शुरू कर दिया, अब हम आ जाए मुकम्मल अरबी पे, यानी आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम बातों में अरबी ले आए, बातचीत अरबी में हो जाए। उसने सजदा किया सजदा, उन्होंने सजदा किया सजदू, उसने कहा कौल, उन्होंने कहा कौलू, वो था कैन, वो थे कैनू। आसान है ना? मुअज्ज़ज़ मेंबराने किराम, वीडियो देखते वक्त घड़ी के कांटे को फॉलो करें, घड़ी का कांटा जिन अल्फाज पर होगा इन अल्फाज को साथ साथ तर्जमा करते हुए पढ़ते जाएं। देखिए देखिएगा जरा, खुद सोचते जाए तर्जमा। तो आपको अंदाजा हो गया अच्छे से। तो ये आप देखिए, नजारा उसने देखा, मैं नजारू उन्होंने देखा, मैं नऊ उसने रोका, उन्होंने रोका, कतल कतलू, सबरा सबरू उसने सबर किया, उन्होंने सबर किया, शकरा शकरू, जकरा जकरू, अमीला अमीलू, शहीदा शहीदू। अब हम इसको अगर क्लॉक वाइज तर्जमा करें तो तर्जमा तो लिखा हुआ है, तर्जमा लिखा हुआ है तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। कौल उसने कहा, अब देखिए मैं तर्जमा कर देता हूं सिर्फ, तो आप अल्फाज को देखिएगा, उसने कहा, उन्होंने कहा, उसने अमल किया, उन्होंने अमल किया, उसने सजदा किया, उन्होंने सजदा किया, उसने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया, वो था वो थे, वो राजी हुआ वो राजी हुए, उसने सब्र किया उन्होंने सब्र किया, उसने सुना उन्होंने सुना, उसने किया उन्होंने किया, उसने खोला उन्होंने खोला, उसने बनाया उन्होंने बनाया, उसने मदद की उन्होंने मदद की, उसने जाना उन्होंने जाना, जानना यानी कि उसने जिक्र किया उन्होंने जिक्र किया, उसने अमल किया उन्होंने अमल किया, वो था वो थे, वो ईमान लाया वो ईमान लाए, उसने हिजरत की उन्होंने हिजरत की, उसने जिहाद किया उन्होंने जिहाद किया, उसने कुफर किया उन्होंने कुफर किया, वो निकला वो निकले, वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुए, उसने सवाल किया उन्होंने सवाल किया, उसने सच कहा उन्होंने सच कहा, वो ईमान लाया वो ईमान लाए, वो ठहरा वो ठहरे, वजदा उसने पाया उन्होंने पाया, उसने कत्ल किया उन्होंने कत्ल किया, उसने जिक्र किया उन्होंने जिक्र किया, उसने जुटलाया उन्होंने जुटलाया, उसने अमल किया उन्होंने अमल किया, उसने कहा उन्होंने कहा, वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुए, उसने जुटलाया उन्होंने जुटलाया, उसने बनाया उन्होंने बनाया, उसने कुफर किया उन्होंने कुफर किया, उसने पिया उन्होंने पिया, उसने खाया उन्होंने खाया, उसने जमा किया उन्होंने जमा किया, उसने किया उन्होंने किया,
कितना आसान है। वही देखें, उन्होंने खरीदा, उन्होंने अमल किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने सजदा किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने जुल्म किया, वो थे, वो राजी हुए, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने सुना, उन्होंने किया, उन्होंने खोला, उन्होंने बनाया, उन्होंने मदद की, उन्होंने याद किया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने अलीमा, उन्होंने जाना, उन्होंने अमल किया, अलीमा अमीला, उन्होंने कहा, उन्होंने जुटलाया, उन्होंने इनकार किया, वो दाखिल हुए, उन्होंने पाया, वो थे, वो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, उन्होंने जिहाद किया, वो उन्होंने कुफर किया, वो मरे, वो निकले, वो दाखिल हुए, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सच कहा, वो ठहरे, उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने याद किया, उन्होंने जुटलाया, उन्होंने खरीदा, वो ईमान लाए, उन्होंने कहा। आसान है कि नहीं? आज की क्लास में अब तक आपने क्या सीखा? आज तक, अभी तक आपने क्या सीखा? अब आ जाते हैं हम आपकी तरफ, ताकि हमें पता चले आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस आप कर सके माशाल्लाह से। आर यू रेडी? हैंड रेज करके बताएं। चले हम आपकी तरफ आ जाते हैं। तो मैं माइक अलाउ करता हूं, तो जिसका नाम लूं वो अपना माइक ओपन करें और ये पढ़ लें, ये और ये सायरा खालिद साहिबा आप पढ़िए। सजदा, उसने सजदा किया। ये वाली पूरी, पहले ये वाली पूरी साइड पढ़ो। जी जी जी। आमिला, उसने अमल किया। काफारा, उसने कुफर किया। सामिया, उसने सुना। आमना, वो ईमान लाया। कौला, उसने कहा। कताला, उसने कत्ल किया। सजदू, उन्होंने सजदा किया। आमिलू, उन्होंने अमल किया। कौलू, उन्होंने कहा। काफारू, उन्होंने कुफर किया। जहाबू, वो गए। आमनू, उन्होंने वो ईमान लाए। जलमू, उन्होंने जुल्म किया। कानू, वो थे। दखलू, वो दाखिल हुए। समीउ, उन्होंने सुना। कतीलू, कतलू, उन्होंने कत्ल किया। खराजू, वो निकले। जबरदस्त माशाल्लाह। बताइए कितना है, मुश्किल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब में कई दफा रिवाइज होके बेहतर महसूस हुआ, शुक्र अल्लाह। तो ये जो अलामात पढ़ी हमने, तीन जबर, दो जबर और जमा के लिए वाव, तो ये अलामात आसान है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया तीन जबर होंगे तो वो ये माजी को शो करेगा कि ये माजी है, और अगर दरमियान वाला हरफ उस पे जेर या पेश में से कुछ भी आ जाए ना तो वो भी माजी ही का है और उसका भी मतलब उसने किया के सेंस में ही आएगा। ठीक हो गया, जबरदस्त माशाल्लाह। तो आप पास्ट टेंस का थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। फातिमा नजीर साहिबा आप पढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। समीअ, उसने सुना। समीउ, उन्होंने सुना। राधिया, वो राधी हुआ। रदू, वो राधी हुए। शाहिदा, उसने गवाही दी। शाहिदू, उन्होंने गवाही दी। शारिबा, उसने पिया। शारिबू, उन्होंने पिया। मानाअ, उसने रोका। मानाउ, उन्होंने रोका। कतला, उसने कत्ल किया। कतलू, उन्होंने कत्ल किया। शकारा, उसने शुक्र किया। शकरू, उन्होंने शुक्र किया। दकरो, उसने जिक्र किया। दकरू, उन्होंने जिक्र किया। कौला, उसने कहा। कौलू, उन्होंने कहा। खलक,
उसने पैदा किया या उसने बनाया, खलकु उन्होंने बनाया, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमु उन्होंने सिखाया, खतमा उसने मोहर लगाई, खतमु उन्होंने मोहर लगाई, फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन्होंने किया, सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन्होंने सजदा किया, आमना वो ईमान लाया, आमनू वो ईमान लाए, अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन्होंने अमल किया, कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन्होंने कत्ल किया, कफारा उसने कुफ्र किया, कफारू उन्होंने कुफ्र किया, काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा। माशाल्लाह जबरदस्त। तो अब सोबिया जुबैर साहब आप पढ़िए यही स्लाइड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामिया उसने सुना, सामियो उन्होंने सुना, राधिया वो राजी हुआ, राधियो वो राजी हुए, शाहिदा राधी राजिया और राजू राजू, शाहिदा उसने गवाही दी, शाहिदु उन्होंने गवाही दी, शारिबा उसने पिया, शारिबू उन्होंने पिया, माना आ उसने मना किया, माना उ उन्होंने मना किया, कौताला उसने कत्ल किया, कौतालू उन्होंने कत्ल किया, शाकारा जाकारा उसने जिक्र किया, जाकारू उन्होंने जिक्र किया, फाला उसने किया, फालू उन्होंने किया, साजदा उसने सजदा किया, साजदू उन्होंने सजदा किया, आमाना वो ईमान लाया, आमानू आमानू वो ईमान लाए, आमिलू उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, कौतला उसने आमिलू नहीं आमिला पहले और आखिरी हरफ पर जरूरी होती है, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, कौताला उसने कत्ल किया, कौतालू उन्होंने कत्ल किया, काफारा उसने कुफर किया, काफारू उन्होंने कुफर किया, कौला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा, अल्लामा उसने सीखा, अल्लामा उन्होंने सीखा, खातामा उसने मोहर लगाई, खातामू उन्होंने मोहर लगाई, कौला उसने कहा, कौलू उन्होंने कहा, कौला का उसने पैदा किया या बनाया, खलाकू उन्होंने बनाया या पैदा किया, खला का मतलब पैदा करना होते हैं, जाला का मतलब बनना। ठीक है सर। ठीक है माशाल्लाह। बताइए आसान है या मुश्किल? सर आसान है, पहले मुश्किल लगता था, बस आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। कुरान पाक बहुत आसान है। तैयबा सैबा आप सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन्होंने सजदा किया, कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन्होंने कत्ल किया, काफारा उन्होंने काफारा उसने कुफर किया, काफारू उन्होंने कुफर किया, आमना वो ईमान लाया, आमनू वो ईमान लाए, आमिला उसने किया, उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा, कतलू उन्होंने कत्ल किया। सर आपने पढ़ लिया है, कतला कतलो कफारा कफारो, माशाल्लाह देखा नहीं ना, फिर भी आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। कतला उसने कत्ल किया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। कुर्रतुल आइन साहिबा आप पढ़िए ये दोनों स्लाइड्स। सजदा उसने सजदा किया, आमिला उसने अमल किया, काला उसने कहा, आमना वो ईमान लाया,
कफारा उसने झुटलाया, समिया उसने सुना, कतला उसने कत्ल किया, सजदू उन्होंने सजदा किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, कालू उन्होंने कहा, कफरू उन्होंने कुफ्र किया, दहबू वो चले गए, आमानू वो ईमान लाए, दौलामू उन्होंने जुल्म किया, कानू वो थे, दाखलू वो दाखिल हुए, सामिऊ उन्होंने सुना, कतलू उन्होंने कत्ल किया, खरजू वो निकले। ठीक है, ओके, माशाल्लाह। अब किसी ने रेड हैंड रेज किया हुआ वीवो के नाम से, तो यहाँ सात नाम तो लिखा हुआ है, शहनाज, शहनाज साहब आप पढ़िए, अपना नाम ना अच्छे से लिखिए वहाँ, वीवो को काट के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजदा साजदा उसने सजदा किया, साजदू उन्होंने सजदा किया, आमिला उसने अमल किया, आमना वो ईमान लाया, काला उसने कहा, काफरा उसने झुठलाया, सामिया उसने सुना, कतला उसने कत्ल किया, काला उसने कहा, साजदू उन्होंने सजदा किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, कालू उन्होंने कहा, कफरू उन्होंने कहा कुफर किया, जहाबू वो गए, आमनू वो ईमान लाए, जालमू उन्होंने जुल्म किया, कानू वो थे, दाखलू वो दाखिल हुए, समीऊ उन्होंने सुना, कातलू उन्होंने कत्ल किया, खरजू वो निकले। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह। मुआज़ उज़ैर साहब आप ये कीजिए, बल्कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये पढ़िए, ये यहाँ से नहीं है, ये जो मैं इस क्लॉक चला रहा हूँ ना, अब आपने जल्दी जल्दी करना है इसके साथ, और नैसन आगे निकल जाए। अच्छा, आपने आपने ना चूंकि अगर अरबी उर्दू पढ़ेंगे ना, ये क्लॉक आगे निकल जाए, आपने ने जहाँ जहाँ ये क्लॉक जा रही है उसका सिर्फ उर्दू करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। उसने जिक्र किया, उसने सजदा किया, उसने बख्शा, उसने इबादत की, नहीं, नहीं, उसने एक मिनट, ये तो दोनों इकट्ठे करने हैं, उसने जिक्र किया, उसने सच कहा, उसने सजदा किया, उसने सबर किया, दोनों ठीक है, ताकि ना रीडिंग स्पीड बढ़े। ठीक, चलिए, ए वन टू थ्री ऑफ है, उसने एक मिनट, ये अब आइए, उसने जिक्र किया, उसने सच कहा, उसने सजदा किया, उसने सबर किया, उसने बख्शा, उसने शुक्र किया, उसने इबादत की, उसने झुटलाया, उसने देखा, उसने मदद की, उसने निकाला, उसने मोहर लगाई, उसने पैदा किया, उसने निकाला, उसने संवारा, उसने लिखा, उसने बनाया, उसने खोला, उसने सवाल किया, उसने भेजा, उसने जुल्म किया, उसने पैदा किया, उसने नाजिल किया, उसने गवाही दी, उसने सुना, उसने उसने लिखा, उसने लिखना फर्ज किया, उसने लिखा, उसने बुलंद किया, उसने रहम किया, उसने कत्ल किया, उसने जमा किया, उसने अमल किया, उसने आगाह किया, उसने किया, उसने नाजिल किया, उसने जाना, वो ईमान लाया, उसने कहा, उसने बख्शा, वो लौटा। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। तो कोई दोबारा पढ़ सकते हैं ये क्लॉक वाइज, लेकिन उसके साथ साथ सोफी अशरफ साहब आप जरा कोशिश करें, आपने पहले नहीं पढ़ा ना, तो जैसे माज भाई ने पढ़ा वैसे आपने पढ़ना है, और घड़ी के साथ साथ, और आपने क्या करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे कोशिश करें, जहां घड़ी जा रही है ना वही लफ्ज पढ़ें, और उर्दू तर्जमा करना है बस। ठीक है जी। उसने जिक्र किया, उसने सच कहा, उसने सजदा किया, उसने सबर किया,
उसने बख्शा, उसने शुक्र किया, उसने इबादत की, उसने झुटलाया, उसने देखा, उसने मदद की, उसने निकाला, उसने मोहर लगाई, उसने पैदा किया, उसने संवारा। क्या हुआ? आप घड़ी नहीं पहुंची थी। उसने लिखा, उसने बनाया, उसने खोला, उसने सवाल किया, उसने जुल्म किया, उसने पैदा किया, उसने नाजिल किया, उसने गवाही दी, उसने लिखा, उसने सुना, उसने बुलंद किया, उसने रहम किया, उसने कत्ल किया, उसने अमल किया, उसने जमा किया, उसने आगाह किया, उसने सिखाया, उसने किया, उसने नाजिल किया, उसने जाना, वो ईमान लाया, उसने बख्शा, उसने कहा, वो लौटा, उसने सच कहा, उसने जिक्र किया, उसने सजदा किया, उसने सब्र किया, उसने बख्शा, उसने शुक्र किया, उसने इबादत की, उसने देखा, उसने झुटलाया। जबरदस्त, माशाल्लाह, अब इसमें ठीक है। अच्छा नौशीन किरण साहिबा, आप ये पढ़िए। कालू आमिल, काला कालू, अमीला अमीर, ऐसे करके तर्जमा कर लीजिए, सिर्फ तर्जमा। ठीक है। उसने कहा, उन्होंने कहा, उसने अमल किया, उन्होंने अमल किया, उसने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया। सर ये तो सारे वही आगे आ रहे हैं, मतलब उसने कहा, उन्होंने कहा, उसने अमल किया, उन्होंने अमल किया, उसने सजदा किया, उन्होंने सजदा किया, उसने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया, वो था, वो थे, वो राजी हुआ, वो राजी हुए, उसने सब्र किया, उन्होंने सब्र किया, उसने सुना, उन्होंने सुना, उसने किया, उन्होंने किया, उसने खोला, उन्होंने खोला, उसने बनाया, उन्होंने बनाया, उसने मदद की, उन्होंने मदद की, उसने जाना, उन्होंने जाना, उसने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया, उसने अमल किया, उन्होंने अमल किया। ठीक हो गया, बहुत अच्छा पढ़ा। नादरा खालिद साहिबा, आपने पढ़ा था ही पहले। काना था, कानू थे, आमना वो ईमान लाया, आमनु वो ईमान लाए, हाजरा हिजरत, उसने हिजरत की, हाजरु उन्होंने हिजरत की, जाहदा उसने जहाद किया, जाहदु उन्होंने जहाद किया, कफारा उसने कुफर किया, कफरु उन्होंने कुफर किया, खराजा वो निकला, खराजु वो निकले, दखला वो दाखिल हुआ, दखलू वो दाखिल हुए, सआला उसने सवाल किया, सआलू उन्होंने सवाल किया, सदका उसने सच कहा, सदकू उन्होंने सच कहा, आमना वो ईमान लाया, आमनू वो ईमान लाए, लबिस्ता वो ठेरा, लबिसू वो ठेरे। माशाल्लाह, जी गाजी खान साहब आप पढ़िए ये वजदा वजदू, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजदा उसने पाया, वाजदू उसने वो पाए, उन्होंने पाया, कातला उसने कत्ल किया, कातलू उन्होंने कत्ल किया, जाकारा उसने जिक्र किया, जाकारू उसने जिक्र उन्होंने जिक्र किया, कज़ाबू कज़ाबू उन्होंने झुटलाया, कज़ाबा उसने झुटलाया, कज़ाबू उन्होंने झुटलाया, अमला उसने अमल किया, अमलू उन्होंने अमल की, काला उन्होंने आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल की, काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा, दाखला उसने दाखिल वो दाखिल हुए, दाखला वो दाखिल हुए, दाखलू सॉरी सर इसका बताएं, दाखलू दाखलू जी दाखल होना, दाखलू तो वही है ना, वाहिद जमा, वो दाखिल हुए, कज़ाबा उसने झुटलाया, कज़ाबू उन्होंने झुटलाया। माशाल्लाह, ये भी पढ़ लें आप। जाला जालू, जाला उसने बनाया, जालू उन्होंने बनाया, काफरा उन्होंने इनकार किया। सर ये जो काफरा है, इस काफरा उन्होंने उसने इनकार किया, ये जो काफरा है इसका मतलब ये भी हो सकता है उसने कुफ्र किया। हाँ हो सकता है,
हो सकता नहीं है, दोनों है, सही मतलब। अच्छा, काफारू उन्होंने इनकार किया, शराबा उसने पिया, शारिबू उन्होंने, शारिबा उसने पिया, शारिबू उन्होंने पिया, अकाला उसने खाना खाया, अकेलू उन्होंने खाना खाया, जमा उसने जमा किया, जमेऊ उन्होंने जमा किया, जमाऊ जमाऊ उन्होंने जमा किया। ठीक है, माशाल्लाह जी। अब इसका तर्जमा करेंगे सीधा सीधा उर्दू अरबी के बगैर ही, अहमद अफजल जी। उसने खरीदा, उसने अमल किया, देखिए वाउ साथ है, उन्होंने खरीदा, उसने उन्होंने अमल किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने अमल किया, उसने खरीदा, उन्होंने सजदा किया, उसने खरीदा, उन्होंने किया। आपने ना, आप उस और उन में फर्क करें, ये सब वाव लगी हुई है जी। उन्होंने अमल किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने सजदा किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने खरीद की, खरीदा उसने, उसने खरीदा, देखे इश्तराउ उन्होंने खरीदा, उन्होंने खरीदा, उन्होंने जुल्म किया, थे वो, थे वो राजी, वो थे राजू, वो राजी हुए, वो राजी हुए, सारे वो राजी हुए, सबरा उस, उन्होंने सबर किया, उन्होंने सुना, उसने उन्होंने किया, उन्होंने खोला, उन्होंने बनाया, उन्होंने मदद की, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जाना, उन्होंने अमल की, उन्होंने कहा, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने उन्होंने इनकार किया, वो दाखिल हुए, वो दाखिल हुए जी बिल्कुल, वो दाखिल हुए, उन्होंने खरीदा। ठीक है, माशाल्लाह आपका बेहतरीन है। ये गाजी खान साहब पढ़ रहे थे या अहमद भाई पढ़ रहे थे? जी गाजी खान साहब पढ़ रहा। अच्छा ठीक है, जाकुल खैरा। अहमद साहब भाई आप पढ़िए, अहमद अफजल, ये बच्चे जल्दी से सारा पढ़ दें, उर्दू पढ़ दे सारी। उन्होंने पाया, वो थे, वो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, उन्होंने जिहाद किया, उन्होंने कुफर किया, वो मरे, वो निकले, वो दाखिल हुए, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सच कहा, वो ठहरे, उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने खरीदा, वो ईमान लाए, उन्होंने कहा। जी सर, बाहर वाले यही पढ़ दें जी। वो दाखिल हुए, उन्होंने खरीदा, उन्होंने अमल किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने सजदा किया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने जुल्म किया, वो थे, वो राजी हुए, उन्होंने सबर किया, उन्होंने सुना, उन्होंने किया, उन्होंने खोला, उन्होंने बनाया, उन्होंने मदद की, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जाना, उन्होंने अमल किया, उन्होंने कहा, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने कुफर किया, वो दाखिल हुए। माशाल्लाह जबरदस्त। अरहम मुस्तफा आप कीजिए, ये दरमियान की लाइन, ये दोनों अरहम मुस्तफा माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये दोनों दरमियान वाली लाइन। जी जी जी, आप बताओ कि एज क्या है? सर 8 इयर्स। बस माशाल्लाह फिर तो जबरदस्त है यार। सुनाओ बेटा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ऐसा है, अहमद भाई आप भी माइक ओपन करें जरा। अहमद भाई, अहमद अफजल, ठीक है, ये
छोटा बेटा जो है ना ये अरहम ये पढ़ने लगा है, तो आप टीचर आपने क्रशर जी। ठीक है पढ़िए। वसाजादू उसने पाया वजादू उसने पाया कानू उन्होंने पाया आखिर में उन्होंने पाया कानू वो थे अमानू वो ईमान लाए हजारू उन्होंने हिजरत की जहादू उन्होंने जिहाद की काफरू उन्होंने कुफ्र किया मातू वो मरे खाराजू उन्होंने निकाला वो निकले दाखिल हुए सालू उन्होंने सवाल किया सदाकू उन्होंने सच कहा लाबीसु वो ठहरे कतलू उन्होंने कत्ल किया आमिलू उन्होंने अमल किया जाकारू उन्होंने जिक्र किया काजाबू उन्होंने झुठलाया उन्होंने झुटलाया उन्होंने खरीदा आमानू वो ईमान लाए कालू उन्होंने कहा माशाल्लाह तो बहुत प्यारा बच्चा भाई माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त सुनाया अरहम आप कहाँ से हैं सर मैं इस्लामाबाद से हूँ I-81 में रहता हूँ माशाअल्लाह फिर तो आप हमारे पड़ोसी हैं यार फिर इंशाअल्लाह कभी आपसे मिलेंगे ठीक है और अहमद भाई आप माशाअल्लाह बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं आप ही हैं ना जिन्होंने कहा था मैं UK जा रहा हूँ काम काज दावत भी जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस करवाया हमारे साथ मिलके और वहां जाने से पहले पहले एक अच्छे से दाई बन के जाए इंशाल्लाह आप मुझे ना व्हाट्सएप यानी वो टेलीग्राम पे एक पर्सनल मैसेज कीजिएगा मैं आपको कुछ और चीजें भेजूंगा इंशाल्लाह उज़्मा अहमद साहिबा अब आपने सुनाना है और टीचर हैं हमारी क्लास में आपके टीचर हैं आज आप असमत साहब जी ये पूरा पढ़ते हैं उर्दू पढ़नी है सिर्फ सर मुझे कहा है आपने मैंने किसको कहा उज़्मा खान साहिबा को उज़्मा अहमद साहब चलिए वो नहीं ओपन करें तो आप जिन्होंने माइक ओपन किया वही पढ़ लें ठीक है मैंने उर्दू पढ़नी है जी उर्दू पढ़िए ऐसे ठीक है वो दाखिल हुए उन्होंने खरीदा उन्होंने सजदा किया उन्होंने खरीदा उन्होंने जुल्म किया वो थे वो राजी हुए उन्होंने सबर किया उन्होंने सुना उन्होंने किया उन्होंने खोला उन्होंने बनाया उन्होंने मदद की उन्होंने जिक्र किया उन्होंने जाना उन्होंने अमल किया उन्होंने कहा उन्होंने झुठलाया उन्होंने इनकार किया उन्होंने पाया वो थे वो ईमान लाए उन्होंने हिजरत की उन्होंने जिहाद किया उन्होंने कुफर किया वो मरे या मर गए वो निकले वो दाखिल हुए उन्होंने सवाल किया उन्होंने सच कहा वो ठहरे
उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने पाया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने कहा, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने खरीदा, वो ईमान लाए। जज़ाकअल्लाह बारकअल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना माशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त, आप लोगों की तो रीडिंग स्पीड भी बड़ी अच्छी हो गई माशाल्लाह से। ठीक हो गया, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? शगुफी परवीन साहिबा, आप माइक ओपन करके बताएं आज के सबक का खुलासा करें। माइक ओपन करेंगे तब हमें आवाज आएगी, तो वो नहीं कर रही माइक, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो। तो शमीमा साहब, आप माइक ओपन करके बताएं आज के सबक में क्या पढ़ा। शायद पहला दिन हो तो क्लास में उनको ओपन करना ना आ रहा हो। तो डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए आज के सबक में क्या पढ़ा। आज के सबक में हमने फेल माजी के बारे में वाहिद और जमा पढ़ा। जबरदस्त, तो क्या अलामत पढ़ी इसकी? अलामत पढ़ी है कि तीन लफ्जों पे जबर हो तो वो वाहिद है, अगर वाओ और अलिफ आगे आखिर में तो वो जमा है। जबरदस्त, तो तर्जमा क्या होगा इन दोनों अलामतों का? हाँ जी, क्या तर्जमा? मसलन अमला वाहिद है, आमीला दाखलू जमा है, दाखला वाहिद है। हाँ, तर्जमा क्या होगा? वो दाखिल हुए। जबरदस्त, कालू उन्होंने कहा। ठीक है, तो डॉक्टर रेहाना रसूल साहब, आप बताइए आपने क्या सीखा आज के सबक से, और ये प्रैक्टिस भी कर दें, एक दफा उर्दू पढ़ दें। माइक ओपन करें, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा हमका। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बरकल्लाहु फीकुम। जी सर, ये जैसे सदाकू है ना, सदाकू उन्होंने सच कहा, तो इसका तर्जुमा हो सकता है कि वो सच बोले? ये जो जिन लोगों की उर्दू थोड़ी सी ठीक नहीं होती ना, या वो पठान होते हैं तो उर्दू में थोड़ी उनको मुश्किल होती है, या सिंधी होते हैं वो, तो वो कह सकते हैं। अच्छा अच्छा सही, हाँ वो कह सकते हैं, उनकी उर्दू काबिले बर्दाश्त होती है। या जैसे मैंने अरबों को देखा है तो वो जब उर्दू बोलते थे तो वो इसे ऐसे ही बोलते थे। हमारे एक टीचर थे जिनसे मैंने असल में अरबी सीखी थी। एक तो होता है ना, आपने ग्रामर पढ़ी, एक है स्पीकिंग। ये मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी आया 2002 में, तो हमारे एक टीचर होते थे जिनका नाम था डॉक्टर फसल, उनका नाम था। ये वहाँ के थे, इराकी थे। तो हमारी खुशकिस्मती समझें कि उनको उर्दू के सिर्फ दो लफ्ज आते थे बस, बाकी उनको कुछ नहीं आता था। हालांकि पाकिस्तान में बड़ा अरसा हो गया था उनको, तो वो दो लफ्ज क्या थे? एक उनको आता था दूध पत्ती, दूध पत्ती पिएगा, तो हम उनकी वो उर्दू बर्दाश्त कर लेते थे। तो दूसरा वो कहते थे मौलवी साहब, बस इसके अलावा उनको कोई उर्दू नहीं आती थी। और हमारी खुशकिस्मती ये कि हमें अरबी नहीं आती थी, बस वो उनके साथ टूटी फूटी बोलते बोलते ना इधर से उधर अरबी की टांगें तोड़ तोड़ के ना बिलाकर बोलनी पड़ी। तो ये सच, उन्होंने सच कहा, वो सच कहा नहीं होगा। तो इसमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सबको। उर्दू इस्तिलाहात को आपने अज़ खुद देखना है, ठीक है? जैसे आमना वो ईमान लाया, तो सदा को वो सच कहा नहीं होगा, उन्होंने सच कहा, वो और उन्होंने का एक ही मतलब होता है ना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा, बरकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी गाजी भाई। सर जी, ये जो है ना, ये जो क्लॉक की स्लाइड आपने खोली थी वो दोबारा जरा खोलें। कौन सी वाली? क्लॉक वाली, जो क्लॉक चल रही थी। क्लॉक चल रही थी, क्लॉक 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 क्लॉक। हाँ ये जी सर, ये
हाँ ये जरा नीचे करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जरा नीचे करें, ये क्लॉक चलाऊं जी, नीचे नीचे ये इससे थोड़ा सा नीचे वाला दिखाएं स्लाइड, ये नहीं ये जो क्लॉक है ये वाला नहीं सर, वो क्लॉक वाला, क्लॉक वाला करें, क्लॉक चलाएं, क्लॉक चलाएं वो नीचे आ जाएगा खुद। अच्छा एक मिनट इसको चलाते हैं, ये सर कतब क्या चीज, कतब कतब जी जी, ये सर उसने लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने लिखना फर्ज किया। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, आप सही पहुंचे। कताबा के दो मतलब होते हैं, एक होता है लिखना, उसने लिखा, उसने लिखा, और एक होता है फर्ज करना, उसने फर्ज किया, फराजा के मतलब फर्ज किया। जैसे कुरान पाक में आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर फर्ज किए गए हैं रोजे, वहां कुतिबा है। अच्छा यहाँ कताबा है, कताबा उसने लिखा, कताबा उसने लिखा, फर्ज किया, दोनों मतलब है। अच्छा जी सर, जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।